तो दोस्तों आपको क्या करना है थायराइड से छुटकारा पाने के लिए, इस तरह की जो ये आयुर्वेदिक टेबलेट आप यहाँ देख रहे हैं ना इतनी सारी, आपको ये आयुर्वेदिक टेबलेट ले लेनी है। बिल्कुल आयुर्वेदिक है और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी टेबलेट है, कब लेनी है और ये जो थायराइड है वो किस प्रकार से मिट सकता है। नमस्कार दोस्तों, देसी टिप्स हिंदी के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर हम थायराइड की बात करें तो किसी किसी को तो पता भी नहीं होता कि उसको ये थायराइड हो गया है या होने वाला है या इसका इलाज किस प्रकार से करें। अगर हम बात करें तो कई लोगों को आज थायराइड की बीमारी है और इसकी जो दवाइयां हैं ना, अगर आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो लगभग इसका जो कोर्स होता है वो 2 से 3 सालों का होता है। अगर मैं बात करूँ, मेरे एक फ्रेंड का एक फ्रेंड है, उसको आज से लगभग 3 से 2.5 साल पहले थाई रोग की बीमारी हो गई थी। वो डॉक्टर के पास नॉर्मल गया, रिपोर्ट वगैरह कराया, चेकअप वगैरह कराया, उसके बाद डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको ये थायराइड हो गया है, तो आपको लगभग 2.5 से 3 साल तक इसकी जो दवाइयाँ है वो रोज़ एक गोली रेगुलर आपको लेनी होती है। इसमें क्या होता है, इस रोग में आपका जो वज़न है, आपका वज़न अचानक से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने लगता है, आपके पैरों में सूजन आ जाती है, आपको घबराहट महसूस होती है, कहीं भी जाए, घर में बाहर, आपको कहीं भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों इसको मिटाने के लिए और आपको हर रोज़ एक गोली ना खानी पड़े, इसलिए मैंने ये टेबलेट का यूज़ किया है। लगभग से ये टेबलेट आपको हर रोज़ यानी कि 1 मंथ तक इसका इस्तेमाल करना होगा। 1 मंथ के बाद अगर आप देखेंगे, चेकअप वगैरह करवाने जाएंगे, तो आपका जो थायराइड है वो 100% गायब हो जाएगा। यहाँ इस वीडियो में ये मैं आपको यही बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं जो आपको तरीका बताऊँगा वो सबसे पहले आप अच्छी तरह से इस तरीके को समझ लीजिए। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहली जो चीज़ की यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगी धनिया की। तो दोस्तों आपको यहाँ ये जो धनिया है वो ले लेना है, इसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसके जो पत्ते हैं वो ये पत्ते आप यहाँ काट लीजिए। इसको काट लेने के बाद आपको इसको मिक्सी में पीस लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ इसकी इस प्रकार की ये जो चटनी है, ये आपको चटनी यहाँ पे बना लेनी है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो चटनी है, ये जो धनिया की हमने बनाई, ये आप 2 से 3 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको लेना होगा 1 ग्लास बिल्कुल गर्म पानी लेना है, बिल्कुल उबलता हुआ। आप आधा ग्लास पानी यहाँ ले लीजिए, पानी बिल्कुल उबलता हुआ होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, ये जो धनिया की चटनी है 1 चम्मच इसमें आप ऐड कर दीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो आप जब इसको अच्छे से मिक्स कर ले, तब दिन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं फिर बता दूं, मैंने जो आपसे कुछ ही देर पहले बात की थी कि मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड को थाई की बीमारी हो गई थी, तो उन्होंने ये नुस्खा मुझे सजेस्ट किया है। लगभग से 1 से 2 महीने पहले ही उसने ये नुस्खा ट्राई किया और लगभग 1 महीने में उसका जो रोग था थायराइड बिल्कुल नाबूद हो गया है। तो मैंने सोचा ये नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इन नुस्खे से कई लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। तो आप ये दिन में कभी भी ले लीजिए। अगर आप चाहें तो खाने के पहले इसका यूज़ कर लीजिए, आधा ग्लास पानी और 1 चटनी। अगर आप चाहे तो खाने से पहले इसका यूज़ कर लीजिए, आपको लगभग आधा ग्लास पानी चाहिए और 1 चम्मच ये जो धनिया की चटनी है वो आप यहाँ ले लीजिए। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टेबलेट की। अब दोस्तों ये जो टेबलेट है ना, इसका नाम है दोस्तों, कुछ अटपटा नाम है, आपको सुन के हंसी आएगी। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम है कांचनार गुगलू। ये आपको पतंजलि की स्टोर या जनरल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। लगभग से 80 से 100 रुपए की आपको ये पूरी बोतल मिल जाएगी। तो आप ये नाम है दोस्तों, आप लिख लीजिए या इस वक्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये बड़ी आसानी से जनरल स्टोर पे या पतंजलि का जो स्टोर है वहाँ पे आपको ये टेबलेट मिल जाएगी। बिल्कुल आयुर्वेदिक है, आप इसकी चिंता ना करें कि इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीका है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये यूज़ करते हैं ना, ये जो धनिया वाला ड्रिंक, तो दोस्तों इनसे आपको दुगना फायदा तो ये होगा कि आपकी जो आँखों की रोशनी है वो भी बढ़ने वाली है। तो जब आप इसका इस्तेमाल कर ले, उसके बाद आपको ये जो टेबलेट है, ये टेबलेट का आपको यहाँ यूज़ करना है। अब आप ये टेबलेट रात को खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद कभी भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप रात का खाना खा लें,
तब इसके बाद इसको आपको हर रोज एक महीने तक, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक गोली है ना, ये एक गोली आपको हर रोज एक महीने तक लेनी है। एक महीने तक आपको हर रोज ये ड्रिंक लेना है, ड्रिंक के बाद ये गोली ले लेनी है। सिर्फ एक महीने के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपका जो थायराइड की जो बीमारी थी ना, वो बिल्कुल जड़ से गायब हो गई है। दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची जानकारी है, तो अगर आप इसको चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। अगर आप इस तरह के देसी नुस्खे जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नए नुस्खे में। नमस्कार।